हमें अपने प्रॉब्लम्स, अपनी नाकामियों को ना एक एडवेंचर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। मिसाल ले लो, एक आदमी है, उसको आइस स्केटिंग का शौक है और उसको हम आइस स्केटिंग सिखाते हैं। दो दफ़ा गिर जाएगा, तीन दफ़ा गिर जाएगा, लेकिन उसने कहा कि मैंने करके छोड़नी है आइस स्केटिंग, वो ज़रूर कामयाब होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर वो दो दफ़ा गिर जाए और उससे कह के नहीं करना, मैंने नहीं अब सीखनी, तो वो कभी कामयाब नहीं होगा। यार ज़िंदगी में अब हम छोटे लोगों को देखते हैं जो कि जब सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि यार वो कंपनी बनाते हैं अपनी, नहीं चलती, दोबारा बनाते हैं, नहीं चलती, दोबारा बनाते हैं, नहीं चलती, लेकिन वो एक वक्त ऐसा आता है कि वो चल जाती है। और अगर दो तीन दफ़ा ना काम हो जाए और कह देंगे यार हमने नहीं अब करनी इन्वेस्टमेंट, तो बस फिर हम हो गए कामयाब। यार मैं जब खुद अपनी मिसाल दूँ ना, मैं कामयाबी को एक ईंटों के द्वार समझता हूँ। जैसे कि हमने कोई गोल, कोई अचीवमेंट करनी है, और मैं कह देता हूँ कि यार ये ईंटों की दीवार है और इसके पीछे मेरी अचीवमेंट पड़ी है। जैसे जैसे मैं सक्सेस करता जाऊँगा, यानी कि जैसे जैसे मैं मेहनत करता जाऊँगा, वो एक ईंट साइड पे होती रहेगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो पूरी जमीन साफ होगी और मैं अपनी अचीवमेंट इजीली पकड़ लूँगा। हमेशा पेशेंट करो यार, सब्र से काम लो, बर्दाश्त करना सीखो। बर्दाश्त वो चीज़ है, यानी सब्र करना सीखो, सॉरी। बर्दाश्त ये होता है कि यार हमें अगर कोई चोट लग गई है और हमें दर्द है, लेकिन अगर हम सब्र करेंगे, ज्यादा पाक तूने हमें दिया चोट, तू ही इसका इलाज करने वाला है, और कैसे चोट सही हो जाती है? क्यों? क्योंकि हमने सब्र किया। इसलिए बिजनेस है यार, बिजनेस में नाकाम हुए हो लेकिन सब्र करो यार, कभी ना कभी तो कामयाब होंगे। जिंदगी में मेरी पांच चीज़ें मान लो, कभी जिंदगी में नाकाम नहीं हो गए। एक, सुबह जल्दी उठो। दूसरी, दूसरों को रिस्पेक्ट दो। इस कदर दूसरों को रिस्पेक्ट दे दो कि दूसरा खुद तुम्हारी इज्जत करने में खुद ही तुम्हारी इज्जत करे। और तीसरी चीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ पैदा करो, एक्सरसाइज करो डेली, एक्सरसाइज करो डेली, फिजिकल स्किल्स पैदा करो अपने अंदर। चौथी चीज़, दूसरों की मदद करो, हेल्प करो अदर। और पांचवी चीज़, नॉलेज हासिल करो। और सबसे बड़ी चीज़, मैं इन चीज़ों को देखते हुए तुम्हें बताऊँ ना, चीज़ को मैनेज करना सीखो। यार तुम में कोई वीकनेसेस नहीं है, कोई एबिलिटी, कोई अगर तुम माने में कोई वीकनेसेस है या नो कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है या दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते, तो यार अपने अंदर ऐसी स्किल्स, ऐसी एबिलिटीज, ऐसे इंटरेस्ट पैदा करो, या इनको ऐसे पॉलिश करो कि पूरी दुनिया तुम्हें जाने, और न्यूज़पेपर के पहले पेज पर तुम्हारा आर्टिकल हो और टीवी चैनल में तुम्हारा इंटरव्यू हो। हमें बचपन से सिखाया जाता है कंपैरिजन, दूसरों के साथ कंपैरिजन किया जाता है हमारा। यार ज़िंदगी में कोई कंपैरिजन नहीं होता, ना ही कोई रेस होती है। हमने अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचे, बस अपनी एक गोल बनाओ, स्ट्रेटजीज बनाओ और उनको टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। देखना जिंदगी में कितने कामयाब हो गए। और हमेशा किसी के पीछे ना लगना, जो तुम्हारा दिल करता है ना, हमेशा वही कहो करो और वही करो। तीन चीज़ें मेरी हमेशा याद रखना, और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। थिंकिंग, लर्निंग एंड डूइंग। सोचो, सीखो और करो। सोचो, सीखो और करो। देखना यार ज़िंदगी में कामयाब हो जाओगे। और यही आज का हमारा छोटा सा लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। इसको ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। खुदा हाफिज़।